अपने इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी बाइक्स मिल जाएंगी जिनका प्राइस रेंज 1.5 लाख के अंदर ही है, बट आपको चाहिए एक ऐसी बाइक जिसमें लुक तो अच्छा मिले ही मिले, साथ ही पावर और परफॉर्मेंस भी, और साथ ही सबसे मेन चीज माइलेज, वो भी आपको एकदम अच्छी मिले और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख प्राइस के अंदर ही। सो पूरे टू व्हीलर मार्केट के आफ्टर रिव्यू के बाद मैंने चूज किया टॉप 5 बाइक्स को, एंड उनमें से नंबर 5 पर जो बाइक है वो अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक है, एंड नंबर 1 वाली बाइक इज माई फेवरेट। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इनमें से किसी को भी परचेस कर सकते हो। सो स्टार्ट विद नंबर 5, एंड ये बाइक 125 सीसी की सबसे पावरफुल बाइक है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 125R। सो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस ही बता देता हूँ। इसका ऑन रोड प्राइस है अराउंड 1,10,000 रुपए, एंड इतने कम प्राइस में ये बाइक इतने तगड़े तगड़े फीचर्स फेंक के मार रही है ना, लाइक पहली बार 125 सीसी के बाइक में सिंगल चैनल ABS दिया है, साथ ही इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, एंड साथ ही इसमें आपको LED डिस्प्ले विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें मिल जाती है। एंड बात करें इसके पावर एंड परफॉर्मेंस की, तो 125 सीसी के इंजन के साथ ये बाइक 11.55 का मैक्स पावर एंड 10.5 Nm का मैक्स टॉर्क भी प्रोड्यूस कर लेती है, साथ ही इसमें आपको 110 से 115 किलोमीटर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। एंड परफॉर्मेंस का अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हो कि ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 136 किलो की है। वेल नेक्स्ट बात करें नंबर 4 की, तो यहाँ पर है यामाहा की FZ-FIV3। अब यहाँ मैं FZ-FIV4 की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका प्राइस 1.5 लाख के पास चला जाता है, एंड दोनों में आपको हर चीज एकदम सेम देखने को मिल जाती है, बस लुक्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। वेल अगर बात करें इस बाइक के पावर एंड परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको 150 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिससे ये बाइक 12.4 PS का मैक्स पावर एंड 13.3 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। साथ ही इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है, जिससे ये बाइक 115 की टॉप स्पीड भी अचीव कर लेती है। साथ ही इसमें आपको माइलेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है, अब भले ही देखने में कितनी स्पोर्टी एंड मस्कुलर हो, 45 से 50 का एवरेज तो आराम से दे देती है, बट अगर ढंग से चलाओगे तब। वेल इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है 1,42,000 रुपए। एंड अब बात करते हैं नंबर 3 की, बट उससे पहले यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो हमेशा ऐसे अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। तो यहाँ पर है पल्सर की NS160। सो फर्स्ट अगर लुक्स देखें तो मुझे तो यार पर्सनली इसका लुक्स काफी सही लगता है, बट आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वेल इसमें आता है 160 सीसी का इंजन जो कि 17.3 bhp का मैक्स पावर फेंक के मारती है, साथ ही 14.6 Nm के मैक्स टॉर्क के साथ ये बाइक काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। एंड बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,50,000 रुपए, ना ऊपर ना नीचे, बट उसमें भी आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, एंड डुअल वाला थोड़ा महंगा है, सिर्फ 1,64,000। सो अब आ रही आती है नंबर 2 की, तो यहाँ पर है पल्सर की N160, एंड जिसको बनाया गया पल्सर N250 को देखकर, मतलब कि यार इसका DRL देखो, ये डिजाइन सब कुछ उसी से इंस्पायर है। वेल अगर इसके पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बाइक आती है 160 सीसी के एयर कूल्ड इंजन के साथ जो कि 15.78 हॉर्स पावर और उसके साथ 14.65 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। बाकी इसको अपना बनाने के लिए आपको गिन के रखने पड़ेंगे पूरे के पूरे 1,44,000 रुपए। एंड फाइनली नंबर 1 पर है अपाचे की ITR 164V। अब इसको नंबर 1 पर रखने का सबसे बड़ा इंजन है इसका पावर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 160 सीसी इंजन के साथ ये बाइक 17.55 PS का मैक्स पावर प्रोड्यूस कर लेती है, साथ ही 14.2 Nm मैक्स टॉर्क के साथ, एंड साथ ही आपको इसमें डुअल चैनल ABS ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, साथ ही साथ तीन तीन राइडिंग मोड भी देखने को मिल जाते हैं, एंड इसके लुक्स तो आप देख ही सकते हो। वेल इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,50,000 रुपए, ना ऊपर ना नीचे। सो बस इस वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब कर लो एपिक क्रिएशन को हमेशा ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए।